डियर फ्रेंड्स, वीडियो के इस पार्ट में हम लोग देखिए वेलास्ट स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड जो है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वेलास्ट का स्टडी करेंगे। देखिए इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने वेलास्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको स्टडी कराया है और उस पार्ट में हमने आपको बताया था कि जो वेलास्ट स्पेसिफिकेशन का रिमेनिंग पोर्शन होगा वह अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तो देखिए इस पार्ट में जो है बोर्ड पर एक क्वेश्चन नोट है, राइट शॉर्ट नोट अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रैक वेलास्ट अकॉर्डिंग टू वेलास्ट स्पेसिफिकेशन। तो देखिए हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रैक वेलास्ट का स्टडी करेंगे। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ देखिए ट्रैक वेलास्ट। एक्चुअल में फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग जो है देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले जो है देखिए जो एब्रेशन वैल्यू एब्रेशन वैल्यू इसके अलावा दूसरा जो है इंपैक्ट वैल्यू एंड थर्ड जो है देखिए वाटर एब्जॉर्प्शन। वैल्यू ये इसी का स्टडी करेंगे कि देखिए एक्चुअल में जो ये एब्रेशन वैल्यू जो है टेस्ट किया जाता है इसके लिए इंपैक्ट वैल्यू के लिए भी टेस्ट किया जाता है, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए भी टेस्ट किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू वेलास्ट स्पेसिफिकेशन ये जो मान लीजिए एब्रेशन वैल्यू का आप टेस्ट करते हैं तो उसका स्पेसिफाइड लिमिट क्या है। तो देखिए एक्चुअल में मान लीजिए हम चेक के बाद की बात बता रहे हैं कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए इस तरह से एक कॉलम जो है बना लिया मैंने। ये सबसे पहला जो है देखिए यहां पर ये BG/MG के केस में और यहां पर देखिए ध्यान दीजिए ये NG के केस में नैरो गेज के केस में ठीक है। तो जो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू। तो देखिए ये मैक्सिमम जो है 30% इसका जो लिमिट है मैक्सिमम 30%। और देखिए जो सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी है वह है एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू। देखिए इसका जो मैक्सिमम जो लिमिट है वह है आपका 20%। ये देखिए एक्चुअल में बीजी और एमजी के केस में है बट एनजी के केस में देखिए ध्यान दीजिए एनजी के केस में जो मैक्सिमम इसकी लिमिट है वह है आपका 35%। देखिए ये एग्रीगेट एवरेजन वैल्यू का जो मैक्सिमम लिमिट है वह 35% है और ये जो एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू का जो मैक्सिमम जो लिमिट है देखिए ध्यान दीजिए ये 30% है। तो आप क्लियर समझ गए होंगे कि देखिए एक्चुअल में ये
जब फिजिकल टेस्ट आप करेंगे, फिर से एक बार मैं बता दूं, एवरेजन टेस्ट और इम्पैक्ट टेस्ट जब आप करेंगे तो उस समय जो वैल्यू मिलनी चाहिए वह जो है मैक्सिमम जो है बीजी और एमजी के लिए 30%, और देखिए ये एवरेजन वैल्यू का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो एनजी के लिए 35%। ठीक उसी तरह देखिए एक्चुअल में एग्रीगेट जो इंपैक्ट वैल्यू का एमजी और बीजी के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू है 20%, और एनजी के लिए नैरो गेज के लिए ये मैक्सिमम वैल्यू जो है 30%। देखिए एक बात और बता दें हम आपको, देखिए स्पेशल कंडीशन में मान लीजिए कोई टेक्निकलिटी आ जा रही हो, इसके अलावा कोई सेविंग का पर्पज हो, ध्यान दीजिए कोई टेक्निकल मैटर हो या सेविंग का मैटर हो, तो उस समय जो है बात समझिए ओपन लाइन के केस में देखिए जो सीटी हैं, सीटी महोदय, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है, जो सीटी महोदय है, और देखिए कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन के केस में देखिए ध्यान दीजिए एक्चुअल में ओपन लाइन के केस में सीटी महोदय और कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन के केस में जो है ये जो है सीएओ महोदय, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं सीएओ महोदय, मान लीजिए चाहे तो देखिए एक्चुअल में एवरेजन जो वैल्यू है एवरेजन वैल्यू वह देखिए एक्चुअल में इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है 30%, तो चाहे तो देखिए मैं ये बीजी और एमजी के लिए बता रहा हूं, बीजी आब्लिक एमजी के लिए वह चाहे तो 35% तक इंक्रीज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये जो मैक्सिमम वैल्यू 30% था तो 35% तक इंक्रीज किया, मतलब 35% मैक्सिमम वैल्यू किया जा सकता है। देखिए ये जो इंपैक्ट वैल्यू तो इंपैक्ट वैल्यू को भी वो चाहे, ये देखिए सीटी महोदय और सीएओ महोदय, तो इसको जो है 25% मैक्सिमम वैल्यू कर सकते हैं। कहने का मतलब भाई देखिए दोनों में 5% इंक्रीज कर सकते हैं, दोनों में 5% इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन भाई इसको ऐसा करने के लिए बात समझिए क्लियर सी बात है कि कभी भी ये छूट तभी दी जा सकती है जब टेंडर नोटिस के पहले ये मतलब स्वीकृति ली जा सकती है। और दूसरी बात यह है कि टेंडर डॉक्यूमेंट में ये जो छूट ली गई है उसको इंडोर्स करना पड़ेगा, टेंडर डॉक्यूमेंट में ये जो भाई वैल्यू है जो कि बियॉन्ड स्पेसिफिकेशन भाई स्वीकृति ली गई है तो उसको टेंडर डॉक्यूमेंट में आपको जो है क्लियर नोटिफाई करना पड़ेगा। ये है आपका देखिए ये एवरेजन वैल्यू और इंपैक्ट वैल्यू। अब हम आपको ये बताएं जैसे जो थर्ड टेस्ट है वाटर एब्जॉर्प्शन जो देखिए वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट है उसके लिए स्पेसिफिक वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट किया जाएगा। और देखिए जो इसका लिमिट है वाटर एब्जॉर्प्शन का लिमिट है 1%, देखिए से अधिक नहीं, मतलब देखिए एक्चुअल में ये टेस्ट के बारे में हम नहीं बता रहे हैं, रिजल्ट के बारे में बता रहे हैं कि मैक्सिमम
वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होगा बैलास्ट के द्वारा टेस्ट के दौरान वो 1% से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए इस वैल्यू में एक बात और बता दें कि ओपन लाइन में, ओपन लाइन के केस में, ओपन लाइन के केस में देखिए सीटी 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 आब्लिक सीई और देखिए कंस्ट्रक्शन के केस में, कंस्ट्रक्शन के केस में सीएओ, देखिए दोनों दोनों जो है, देखिए ओपन लाइन के केस में इन महोदय के और सीएओ महोदय कंस्ट्रक्शन के केस में ये क्या कर सकते हैं कि इस वैल्यू 1% को अपने विवेक के अनुसार, भाई देखिए वैलास्ट जो भी आपका लिया जा रहा है क्वेरी को देखते हुए ये 1% को इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब इन्हें पावर दिया गया कि 1% के लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं उनके विवेक पर। बट एक बात यहां फिर क्लियर सी बात है, यहां फिर क्लियर सी बात है कि उसे जो है टेंडर डॉक्यूमेंट में, मतलब टेंडर नोटिस में भाई इंगित करना पड़ेगा, टेंडर नोटिस में भाई इसको नोटिफाई करना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए टेंडर डॉक्यूमेंट में क्लियर जो है नोट होना चाहिए कि जो है कितने परसेंट तक छूट की दी गई है। सपोज करिए देखिए डिफरेंट रेलवे डिफरेंट जो है अपना इस पर छूट देती है, सपोज करिए कि 3% तक छूट देना है तो टेंडर डॉक्यूमेंट में जो है ये वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए कि 3% जो है तक जो है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वैल्यू होगा ये इंगित होना चाहिए, पहले से इंगित होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में ये बाद में नहीं छूट दी जा सकती, बाद में नहीं दी जा सकती। और एक बात और भी है, ये जो देखिए ध्यान दीजिए अगर छूट दी गई है तो ओपन लाइन के केस में सीटी आब्लिक सी और कंस्ट्रक्शन के केस में सीओ महोदय के मतलब इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही जो है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट किया जाएगा। तो ये था आपका देखिए एक्चुअल में फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रैक बैलास्ट। मित्रों यहां बताना बहुत ही आवश्यक है कि अभी अभी हमने आपको वाटर एब्जॉर्प्शन के केस में मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन 1% अकॉर्डिंग टू मैंने बताया था कि बैलास्ट स्पेसिफिकेशन के अनुसार होता है, बट डिफरेंट जोनल रेलवे जो है अपने अपने जो साइट कंडीशन के अनुसार पर क्वेरी के आधार पर इस वाटर एब्जॉर्प्शन को जो है वैल्यू को वाटर एब्जॉर्प्शन के वैल्यू को इंक्रीज कर लेते हैं। और मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया कि 3% का एग्जांपल लेके बताया, बट आपको यहां बता देना आवश्यक है कि हमने आपको ये बताया था कि सीटी ओपन लाइन के केस में सीटी आब्लिक सी देखिए और कंस्ट्रक्शन के केस में सीएओ जो महोदय हैं ये भाई इसको जो है 1% से इंक्रीज कर सकते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन को 1% से इंक्रीज कर सकते हैं। और मैंने एक एग्जांपल भी 3% का दिया भी था, बट क्वेश्चन ये उठता है कि मतलब मैक्सिमम कितने परसेंट तक इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसकी वैल्यू पूछी जा सकती है 2.5%। देखिए जो मैंने 3% बोला है वह एग्जाम्पल के तौर पर बोला है, लेकिन मैक्सिमम जो है कोई भी जोनल रेलवे 2.5% से अधिक इंक्रीज नहीं कर सकती। भाई देखिए कोई 1.5 भी कर सकते हैं, कोई 2% भी कर सकते हैं, लेकिन वाटर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जो होगा वो 2.5% से अधिक नहीं होगा। और वो इसको भी टेंडर नोटिस में, टेंडर डॉक्यूमेंट में इंडोर्स कर दिया जाएगा। तो
वीडियो का ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम आपको जो है बैलास्ट स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका स्टडी कराएंगे। बट इस पार्ट में इतना ही। धन्यवाद।